गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बर्रे भाजी की सब्जी बनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 36 प्रकार के भाजी होता है, उसमें भी ये एक प्रकार का भाजी होता है। छत्तीसगढ़ में प्रायः है इसको बना के खाया जाता है। ये बर्रे भाजी इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है। बाज़ार में आसानी से ये मिल जाता है। और ये भाजी को खट्टा में बनाया जाता है, टमाटर खट्टा में बनाए या दही खट्टा में। तो देख लेते हैं किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। तो सबसे पहले इस तरह से आधा किलो बर्रे भाजी ले लिए हैं और थोड़ा सा इसको झुनगा बोलते हैं, इसको गर्म पानी में इसको फुला लिए हैं। थोड़ा सा है ये, मैंने एक कटोरी है। एक बैंगन ले लिए हैं छोटे टुकड़ों में काट के, और खट्टा ज़्यादा रहता है इसलिए 3 टमाटर ले लिए हैं, इसको भी काट लिए हैं। 2 प्याज लिए हैं, इसको भी काट लिए हैं। और 3-4 कलियाँ लहसुन का है और 3 हरी मिर्च है। और मसाला में बिल्कुल इसमें कम मसाला डाला जाता है, इसलिए थोड़ा से आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, थोड़ा से सरसों है और स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। और इसको छौंका लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बर्रे भाजी को मैं काट के बताती हूँ। तो इसका देखिए ये डंठल रहता है, कितना सॉफ्ट मुलायम रहता है। तो इसके डंठल को ज़्यादा नहीं फेंकना रहता है, और इसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे बीच से तोड़ लिया जाता है, और ऐसे करके एक इसको बंच की तरह इसको बना के तरह से पहले कर लिया जाता है। और इसको ऐसे टुकड़ों में काट लेते हैं इस तरह से। इसको एकदम बारीक भी नहीं काटना पड़ता है और न ही एकदम बड़ा काटते हैं, इसी तरह से इसको काट लेते हैं। इसी तरह से पूरा भाजी को मैं काट ले रही हूँ। इस तरह से देखिए पूरा भाजी को काट के और अच्छी तरह से 2 बार इसको धो के रख लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक कढ़ाई ले लिए हैं और इसी में भाजी को पकाना है। सबसे पहले इसमें भाजी को डाल दे रहे हैं। इसको आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं। और इसके बाद फिर इसमें ये झुनगा है, इसको भी और पकाना है इसमें। और ये एक बैंगन ले लिए हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं इसमें। पकाने के बाद फिर इसमें थोड़ा से पानी डालना है और इसको पका लेते हैं। पहले इसको ढक के पका लेते हैं। इस तरह से देखिए भाजी हमारा पक गया है। इसको छू के देखने से इस तरह से देखिए पक गया है ये। तो अब इसके बाद इसमें ये टमाटर डालना है। टमाटर को डालने के बाद इसमें बस थोड़ा से हल्दी डालना है, बिल्कुल थोड़ा से, क्योंकि भाजी है तो इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालते हैं। और इसके बाद फिर इसमें नमक डालना है ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद फिर आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है और इसको ढक के पका लेना है। के बाद ये हमारा टमाटर देखिए पूरी तरह से ये गल गया है। और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसको मिलाने के बाद थोड़ा से 2 मिनट और इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा इसको 2 मिनट और पका लेना है। ये हमारा सब्जी पक के तैयार हो गया। अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर इसको फिर छौंक लेंगे। भाजी को छौंकने के लिए इस तरह से देखिए कढ़ाई में थोड़ा से तेल डाल लिए हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें सरसों डाल दे रहे हैं। सरसों को थोड़ा से चटकने देते हैं। लहसुन डालने के बाद फिर प्याज को भी डाल के भून लेना है। इसमें हरा मिर्चा को भी डाल दे रहे हैं। सबको डालने के बाद थोड़ा से अच्छी तरह से पका लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह से भून गया है। अब सब्जी को छौंक लेते हैं। तो सब्जी को छौंकने के लिए इस तरह से भाजी रहता है, इसको तुरंत डाल के इसमें इस तरह से ढक देना रहता है ताकि उसका जो स्वाद रहता है और सुगंध रहता है उसी में बरकरार रहता है। और ढकने के थोड़ा देर बाद में ही ढक्कन को निकालना रहता है, और उसके बाद निकाल के फिर चला लेना है इसको। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद फिर हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया। अब इसको सर्व कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए हमारा भाजी बन के तैयार हो गया है। इसको बर्रे भाजी बोलते हैं और ये छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के भाजी रहता है, तो इस तरह सब स्वादिष्ट भाजी लगता है। तो इस तरह से ये भाजी भी बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगता है और बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाता है। छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के भाजी बना के खाते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से भाजी बना के खाएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।